हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही आसान तरीके से पोहा कटलेट। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पोहा कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कप पोहा लेंगे। इसमें हम पानी डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। पोहा में से पानी हम निकाल देंगे। अब हम इसे ढक कर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम एक मिक्सिंग जार लेंगे और इसमें हम 2 ब्रेड तोड़कर डाल देंगे। इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब 5 मिनट हो चुके हैं, पोहा अब फूल चुका है। इसे हम थोड़ा मैश कर लेंगे इस तरीके से। अब हम इसमें 2 उबले हुए आलू को कद्दूकस करके डाल देंगे। आप इसे मैश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन गुठलियां नहीं रहनी चाहिए। अब हम इसमें 1 प्याज डाल देंगे बारीक कटी हुई, 2 हरी मिर्च डाल देंगे बारीक कटी हुई, 1/2 चम्मच अदरक लहसुन कुटा हुआ डाल देंगे और अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। 1/2 चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे। इन सभी चीजों को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये देखिए, मैंने इसे मिला लिया है और ये डो के फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और एक बॉल लेंगे। इसमें हम 2 चम्मच मैदा डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक बैटर तैयार करेंगे। ज्यादा पतला नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे। ज्यादा पानी एक साथ हम इसमें नहीं डालेंगे। घोल अब तैयार है। अब हम हथेली को थोड़ा तेल से चिकना कर लेंगे और इसमें से हम थोड़ा सा डो लेंगे और इसे हम इस तरीके से बना लेंगे। कटलेट का शेप दे देंगे। अब हम एक कटलेट लेंगे और इस घोल में हम डाल देंगे इसे और अब हम इसे निकाल कर ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। इसमें इसे हम लपेट कर इस तरीके से हम सभी को ब्रेड क्रम्स में लपेट लेंगे। गैस पे मैंने पहले से ही तेल गर्म होने के लिए डाल दिया है और तेल अब गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें एक एक करके कटलेट डाल देंगे। एक तरफ से हम इसे सिकने देंगे, थोड़ी देर के बाद हम इसे पलट देंगे और दोनों तरफ से हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। फ्लेम को हम हाई ही रखेंगे।
ये देखिए, ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। ये अच्छी तरह से सिक चुका है। इसी तरह हम बाकी के बचे हुए कटलेट को भी फ्राई करके निकाल लेंगे। अब पोहा कटलेट बनकर तैयार है, तो आप भी इस रेसिपी को एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।